हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए, कई लोगों का ऐसा मानना है, कई लोग ऐसा सोचते हैं, जब भी हम होटल के बारे में बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि होटल इंडस्ट्री बोले तो दो चीज़, फूडिंग एंड लॉजिंग, दो चीज़ तो है होटल इंडस्ट्री में, और क्या है। मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री को सिर्फ दो चीज़ में सीमित रखते हैं लोग, फूडिंग लॉजिंग। आप मुझे बताइए, एक फाइव स्टार होटल में, एक फोर स्टार होटल में क्या सिर्फ फूडिंग लॉजिंग होता है और कुछ नहीं होता है। आप प्रॉब्लम क्या है पता है, आप मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिनको होटल के बारे में कुछ नहीं पता है, अगर आप उनको बोले कि हम होटल में जॉब करते हैं, या मान लीजिए आपको पूछा गया कि भाई भाई क्या करते हो, तो आपने बताया मैं होटल में काम करता हूँ। अब जैसे ही हम बोलते हैं हम होटलियर हैं, तो उनको ऐसा लगता है, अच्छा होटलियर हैं, होटल में काम करता है, तो इसका मतलब होटल में शायद झाड़ू पोछा करता होगा, तो शायद उनको ऐसा लगता होगा कि कभी कभी ऐसा सोचते हैं शायद बर्तन वगैरह धोता होगा, ऐसा भी लगता है कि उनको कभी कभी वेटर होगा, खाना परोसता होगा, फिर सोचते हैं नहीं कुक होगा शायद, खाना वाना पकाता होगा। बस ये खाना पकाना, खाना सर्व करना, वेटर कुक, इसी में इस इंडस्ट्री को सीमित करके रखा है लोगों ने। पता ही नहीं ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसके बारे में लोगों कई लोगों को पता नहीं है, तो गलत फहमी है लोगों में। आज का ये वीडियो हम खासकर उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको होटल के बारे में कुछ नहीं पता, कभी भी फोर स्टार होटल में, फाइव स्टार होटल में गए नहीं है ना। अब होता क्या कि वो लोग कभी लॉज वगैरह में जाते हैं, 200 300 400 500 रुपये में स्टे करते हैं, और जब भी होटल की बात आती है तो उनको लगता है अच्छा तो हमने तो हम भी तो रुके हैं, हम भी तो जब बाहर जाते हैं तो स्टे करते हैं होटल में, तो वैसा ही होगा इनका भी होटल इसी प्रकार से होगा। अब जो बड़े बड़े होटल्स रहते हैं उनको पता भी नहीं होता भाई वो भी एक होटल ही है। अब होता क्या है कि इन लोग जो क्लासीफाई नहीं करते हैं, अब होटल को जो है मिक्स कर देते हैं। अब इस तरह का लोग जो है होटल में खाना खाना जाते हैं, ढाबा वगैरह में, छोटे मोटे रेस्टोरेंट में, तो आप उसे भी होटल कहते हैं। अब होटल में सब कुछ होता है। एक होटल जब हम बोलते हैं, एक होटल का जो डेफिनेशन अगर हम देखें तो द होम अवे फ्रॉम होम, दिस इज़ द मोस्ट कॉन्साइज डेफिनेशन ऑफ ए होटल। लेकिन आप ऐसा डेफिनेशन देने जाएंगे किसको समझ में आएगा, इसलिए आज हमारी कोशिश है ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको होटल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो प्लीज़ अंत तक देखिएगा, गलतफहमी मत रहिए, होटल के बारे में जानना ज़रूरी है। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है, बूमिंग इंडस्ट्री है। आप किसी भी होटल ग्रुप के ले लीजिए, हर साल नया नया उनके अलग अलग होटल्स आ रहे हैं, अपने ग्रुप को एक्सपांड कर रहे हैं, और अलग अलग प्रकार के मल्टीपल चॉइसेस हैं यहाँ पर, अपॉर्चुनिटीज है, जॉब्स को बहुत सारा है यहाँ पे, ठीक है। एक होटल मैनेजमेंट करने के बाद कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको लग सकती है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपका करियर से रिलेटेड हो, चाहे इन्जॉयमेंट के लिए हो, आप कभी होटल में जाना चाहेंगे, आपको लाइफ आपके पास हो सकता है बहुत सारा पैसा हो, लेकिन कभी आप आइए कभी फोर स्टार फाइव स्टार होटल में, तो पैसा को सही जगह लगाइए, कभी इन्जॉयमेंट कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक होटल में कितने प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि लोगों ने सिर्फ दो, जैसे ही होटल की बात आती है तो लोग सोचते हैं एक डिपार्टमेंट होता है किचन, किचन और ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्शन के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ दो डिपार्टमेंट्स नहीं है होटल में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि इसी दिन आप होटल में जाएंगे स्टे करने के लिए, थोड़ा फैमिली को लेकर जाते हैं, एक नाइट मतलब डेली लाइफ में आप थोड़ा बोर हो गए हैं, इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान जिंदगी जी रहे हैं आप, चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, स्टे करके आते हैं, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा जीते हैं, इन्जॉय करते हैं। सबसे पहले आप चलेंगे किसी फाइव स्टार होटल में, फोर स्टार होटल में, फोर स्टार फाइव स्टार चलेगा कौन सा भी, आप रिसेप्शन में चेक इन करते हैं, चेक इन फॉर्मेलिटीज जो होती है उसे साधारण तौर पर आप लोग रिसेप्शन कहते होंगे, पर हमारे इस इंडस्ट्री में इसे हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में फ्रंट ऑफिस कहते हैं, फ्रंट डेस्क, ठीक है। होटल इंडस्ट्री में हर चीज़ का अलग अलग टर्म्स होता है। आप फ्रंट ऑफिस के अंदर में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बेल डेस्क, रिजर्वेशन डेस्क होता है, कंसर्स डेस्क, गेस्ट लिसन होता है, तो इतना हम इन डेप्थ आपको बताने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको आप कभी अगर होटल नहीं आए हैं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए हम कहते हैं एक बार होटल आइए, जानिए परखिए। इसके बाद किसी होटलियर से अगर बात करेंगे, अगर कोई बोलते हैं हम होटल में जॉब करते हो, तो आपको पूछना चाहिए भाई कितने स्टार होटल में जॉब करते हो, कौन से पोजीशन में हो, कौन से डिपार्टमेंट में हो, जानिए परखिए। ऐसे मत सोच लीजिए भाई होटल में काम करते तो बस आप तो बस वही होगा, बस लॉज में काम करता होगा बंदा, ऐसा मत सोचिए। साफ सफाई करने के लिए होटल में एक डिपार्टमेंट होता है, उसे हम कहते हैं हाउसकीपिंग। तो कितना डिपार्टमेंट हो गया, दो। अब होटल में जो एसी वगैरह होता है, लाइट्स वगैरह होता है, जो अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ, टीवी वगैरह नहीं चल रहा, तो इसे कौन करेंगे, कौन, आप फ्रंट ऑफिस तो नहीं आएंगे करने के लिए, हाउसकीपिंग तो मरम्मत नहीं करेंगे इसका, इसके लिए और एक डिपार्टमेंट होता है मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो तीन डिपार्टमेंट हो गया। आप मान लीजिए आप होटल में रह रहे हैं, बहुत बढ़िया रूम है आपका, एसी एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, डिलक्स रूम, प्रीमियर रूम मिल गया आपको, बड़ा मज़ा आ रहा है आपको रहने में, आप लेकिन आपको भूख लगी है, आपको अभी अच्छा अच्छा खाना है, अब अच्छा अच्छा खाने के लिए अपनी जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग व्यंजन खाने के लिए आपको, तो इसलिए तो होटल में आए हैं आप, तो खाना खाने के लिए आपको, आप चाहते हैं कि आप रूम में मंगाइए, आप रूम में मंगाने के लिए आपको रूम सर्विस की जरूरत पड़ेगी, है ना, और इस सर्विस को हम कहते हैं IRD, इन रूम डाइनिंग। तो ये भी
फैसिलिटी होती है एक होटल में। आप किसी छोटे होटल में जाएंगे तो नहीं मिलेगा ये सब, ठीक है। इसलिए सब होटल को एक मत समझिए, ठीक है ना। और किसी मान लीजिए कोई अगर लॉज में काम करता हो और किसी और कोई बंदा को फाइव स्टार में जॉब करता हो तो उसके साथ तुलना मत कीजिएगा, प्लीज़ समझिए, फ़र्क को समझिए आप। इसके बाद हमने बात किया रूम सर्विस। अब रूम सर्विस कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? आप कोई हाउसकीपिंग वाला, फ्रंट ऑफिस वाला, इंजीनियरिंग वाला तो आपको सर्विस देंगे नहीं, खाना सर्व तो करेंगे नहीं आपको। ये जो इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हम कस्टमर को गेस्ट कहते हैं, उन्हें हम अतिथि कहते हैं और उस हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं। तो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, यहाँ पर हर चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। एक प्लेट कैसे रखा जाता है, पानी कैसे सर्व किया जाता है, खाना कैसे सर्व किया जाता है, हर चीज़ का एक एटिकेट्स होता है। यहाँ पर एटिकेट्स को मेंटेन करते हुए, ग्रूमिंग को मेंटेन करते हुए ये इंडस्ट्री चलती है। तो पहले जानिए इंडस्ट्री कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये रूम सर्विस का हो गया। अब रूम सर्विस आता है आपका F&B सर्विस के अंदर में, किसमें? फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर में। फूड एंड बेवरेज क्या होता है, ये भी एक डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आपको खाना वगैरह जो सर्व किया जाता है, जो आपको सर्व करेंगे खाना वगैरह, तो ये होता है F&B सर्विस डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे बैंक्वेट वगैरह हो गया और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप इन शॉर्ट जानकर रखिए ये F&B सर्विस होता है। तो कितना डिपार्टमेंट हुआ, पहले हमने बात किया फ्रंट ऑफिस का, दूसरा बात किया हाउसकीपिंग का, तीसरा हमने बात किया इंजीनियरिंग का। अब हम बात करने जा रहे हैं F&B सर्विस। देखो कितना डिपार्टमेंट हो गया, चार डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो चार डिपार्टमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं, अब F&B सर्विस के अंदर में रेस्टोरेंट भी आता है, बार भी आता है। आप सोचिए एक होटल के अंदर में रेस्टोरेंट भी होता है, कहीं कहीं पर दो तीन रेस्टोरेंट होता है, बार होता है, पब डिस्को वगैरह सब रहता है होटल के अंदर में। अब आता है खाना पीना, उस खाना को बनाने के लिए, एक स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए हाउसकीपिंग तो नहीं आएंगे, फ्रंट ऑफिस तो नहीं आएंगे, तो खाना कौन बनाएंगे? उसके लिए कुक होता है, उसे हम शेफ भी कहते हैं, अलग अलग प्रकार के शेफ होता है, ठीक है ना। तो आपको जैसा खाना चाहिए उस होटल इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार के कुक होते हैं, उनको रखा जाता है और तनख्वाह भी बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। तो कितना डिपार्टमेंट हो गया, पांच डिपार्टमेंट हो गया। ये तो हो गया जो आप अपने आंखों से देख सकते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो आप नहीं देख सकते, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है कि नहीं, तो अकाउंट्स भी होता है। तो कितना डिपार्टमेंट हो गया, छः डिपार्टमेंट हो गया। अब होटल को चलाने के लिए, बिजनेस लाने के लिए, ब्रांड प्रमोशन करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग कहते हैं। जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, जो स्टाफ होते हैं होटल में, उसे भी मैनेज करना होगा ना, तनख्वाह वगैरह कौन देंगे, उसके लिए भी डिपार्टमेंट होता है HR डिपार्टमेंट, जो कि लगभग सारी कंपनी में होती है। ये तो हो गया डिपार्टमेंट्स। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। एक होटल में, एक बड़े होटल में कितनी प्रकार के फैसिलिटीज़ होती है, क्या क्या एमिनिटीज़ होती है वहाँ पे? बड़े बड़े होटल में स्विमिंग पूल तो होता ही है, कहीं कहीं पर दो होता है, बच्चों के लिए अलग से होता है, एडल्ट्स के लिए अलग से होता है, और क्या होता है, जिमनेजियम, जिम भी कर सकते हैं। होटल के अंदर में स्पा भी होता है। आप बताइए इतने सारे फैसिलिटीज़ आपको एक होटल के अंदर मिल रहा है, और कहाँ मिलेगा आपको? आपको अगर आलीशान ज़िंदगी जीना हो ना, ऐसो आराम का अगर ज़िंदगी जीना हो, तो होटल के अलावा और कहाँ जाएंगे आप? एक ही तो ऑप्शन है, होटल। तो होटल इंडस्ट्री को जानिए, समझिए, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।